गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बी बी एन ई लर्निंग क्लासेस। टुडे इज आवर टॉपिक फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। इट मीन्स आज का हमारा चैप्टर है ईंधन वाहनों के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे ईंधन क्या होते हैं, किस तरीके से जो हमारे फ्यूल्स हैं वो हमें ऑप्टेंड होते हैं एंड उनको बनाने में हमें कितना टाइम लगता है। इट मीन्स वो क्या दोबारा रिसाइकिल हो पाते हैं नहीं हो पाते, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है नहीं रहती, या उन्हें हमें एक लिमिट में ही खर्च करना चाहिए, अनलिमिटेड हम उनका यूज कर सकते हैं। इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे कि हमारे फ्यूल्स क्या होते हैं और फ्यूल्स को किस तरीके से हम अपने व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं। वी हैव रीड अबाउट मीन्स ट्रांसपोर्ट इन आवर अर्लियर क्लासेस। हमने ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, हमारे जो वाहन होते हैं, वाहन जो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने का वर्क करते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ये हमने अपने पहले चैप्टरों में पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ इवॉल्व ए लॉट। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आज के टाइम एक विकसित हो चुका है। ये सिस्टम एक ऐसा है जो चाहे छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हर किसी ना किसी के पास अवेलेबल है। अगर किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास साइकिल है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक तरीके से हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में विकसित हो चुका है। इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम एनिमल पावर व्हीकल्स टू स्पेस शिप्स। ये कहाँ, इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम, ये कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, एनिमल पावर से। इट मीन्स पहले व्हीकल्स आने से पहले हमारे यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता था, एनिमल्स के द्वारा हमारे कुछ व्हीकल्स बनाए हुए थे, उनका हम यूज़ करते थे। जैसे कि पहले हम घोड़ों से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना किया करते थे या बग्गी वगैरह होती थी, लेकिन आज के सिस्टम में क्या हमारे पास प्रॉपर व्हीकल्स हैं। ऑल ऑफ दीज व्हीकल्स रिक्वायर एनर्जी टू मूव। ये हमारे जो व्हीकल्स हैं इन सभी व्हीकल्स को किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। इट मीन्स कहीं आने जाने के लिए इनको किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के हमारे व्हीकल्स मूव नहीं कर सकते। एनी मटेरियल, मटेरियल्स मतलब कि सामग्री, एनी मटेरियल्स विच गिव एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल्स। हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो विच गिव एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल आफ्टर बर्निंग इट। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, हाँ जो हमारे ईंधन होते हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है आफ्टर बर्निंग इट, जब ये जल जाते हैं। इनको जलाने के बाद हमें अपने फ्यूल से क्या एनर्जी मिलती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्बशन बोलते हैं, दहन प्रक्रिया बोलते हैं। ऑल व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव। हमारे सभी जो व्हीकल्स हैं, सभी वाहन हैं, उनको ईंधन की जरूरत होती है मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। हमारे पास जो फ्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के फ्यूल्स का एक्सप्लेनेशन है। एक है हमारे फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और सेकेंड है हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल्स जिनको हम वैकल्पिक ईंधन कहते हैं। सबसे हम पहले हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन द एनिमल एंड प्लांट रिमेन गेट बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। इट मीन्स जब काफ़ी टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब है क्या ही सालों पहले, हमारी जो अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स थे वो क्या हो गए, रिमेन्स गेट बरीड अंडर द अर्थ, वो हमारी पृथ्वी के नीचे दफन हो गए थे। दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स थे जब पृथ्वी के नीचे वो दफन हो गए थे, तो सड़ने गलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, कॉल मीन कोयला, पेट्रोलियम मीन पेट्रोल, एंड नेचुरल गैसेस आर द डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स। ये हमारे अलग अलग जीवाश्म ईंधन हैं। दे गेट एग्जॉस्टेड व्हेन यूज्ड। ये क्या होते हैं, जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं, हम इनका जब प्रयोग कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से फिर हमारे लिए थके हुए, इट मीन्स टायर्ड जैसी फीलिंग्स होती है, इनको फिर हम वापस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई भी हमारे पास पेट्रोल है या कोयला है, कोयला ही सपोज करो आपने लिया एंड एक बार उसे जला लिया, जलाने के बाद फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, हम दोबारा उसे जला नहीं सकते। देयर स्टॉक इज लिमिटेड। इनका जो स्टॉक होता है, इनका जो क्वांटिटी है वो हमारे पास लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स टेक मैनी ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड। जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, फिर से बनने में, दोबारा बनने में ये काफ़ी सालों का टाइम लेते हैं। कोल, कोल इज़ फॉर्म्ड व्हेन द वेजिटेशन गेट्स बरीड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसी तरीके से हमारे कोयले की फॉर्मेशन हुई काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले, जब हमारी वेजिटेशन, इट मीन्स वनस्पति क्या हुई, बरीड हुई अंडरग्राउंड, इट मीन्स पृथ्वी के नीचे दफन हुई, तो उससे क्या हमारा कोयला फॉर्म हुआ। इट डिकम्पोजेज एंड ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर ऑफ अर्थ रॉकीज लेयर एंड एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इन टू कोयल। जब हमारी ये वनस्पतियाँ थी, जब हमारी ये पृथ्वी के नीचे दफन हुई, तो वहाँ क्या पृथ्वी के नीचे क्या हाई हीट थी, काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी लार्ज अमाउंट में वहाँ पर हीट थी, गर्मी थी, एंड हाई अमाउंट में ही वहाँ प्रेशर था। कहाँ, अर्थ रॉकी लेयर, जो अर्थ का रॉकी लेयर्स है उसके नीचे, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन एब्सेंस थी बिल्कुल, और उस तरीके से जो हमारी वेजिटेशन थी वो गलना सड़ना स्टार्ट हो गई, और वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम कोयला बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन देम। हमारा जो कोयला होता है वो भी अलग अलग वेराइटी का होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा कोयला अच्छा है या बेकार है, कि उस कोयले में कितनी अमाउंट है कार्बन की, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा कोयला, ये कोयला हमारी बेस्ट क्वालिटी का है एंड ये कोयला थोड़ा हमारा लो क्वालिटी का है। एंड कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग। जो कोल है, कोयला है, जो पृथ्वी से निकाला जाता है, वो माइनिंग प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो कोयला है उसको हम एज ए फ्यूल, इट मीन्स खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, हीटिंग, गर्मी
उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज, इसको हम भाप के इंजन जो होते हैं उनको चलाने के लिए, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी हमारा जो कोयला होता है उसको यूज किया जाता है। कोल माइनिंग इज डन इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो कोयल माइनिंग होती है जो कोयला खानों से निकाला जाता है, ये हमारे ज्यादातर किन स्टेटों में निकाला जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। द मेन कोल मिक्सिंग सेंटर आर एट झारिया, रानीगंज, दहाबाद एंड बोकारो। इट मीन्स जो हमारी रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है, ये हमारे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम कोयला एक्सट्रैक्टेड करते हैं। एंड आफ्टर इट वी विल स्टडी अबाउट दिस फैक्ट बिट। स्ट्रीम इंजाइन वॉज डेवलप्ड बाई जेम्स वॉट, जो हमारा स्ट्रीम इंजाइन है, जो यहाँ अभी वर्ड आया कि हम स्ट्रीम इंजाइन जो होते हैं इनको चलाने में हम किसका कोयले का यूज करते हैं, तो इस स्ट्रीम इंजाइन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वॉट ने। एंड दिस आइडिया केम टू हिम, ये आइडिया उनके माइंड में कहाँ से आया कि भाई भाप वाला इंजन बनाया जाए, व्हेन ही सॉ लिड ऑफ केटल मूविंग अप एंड डाउन ड्यू टू स्ट्रीम, जब उन्होंने अपने घर में देखा कि जो उनकी केटल थी, केतली थी, उसका जो ढक्कन था वो भाप की वजह से कभी ऊपर एंड कभी नीचे ऊपर नीचे आ जा रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, जो हमारी स्ट्रीम है, जो हमारी भाप है, भाप के प्रेशर की वजह से जो केटल का ढक्कन है वो कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो हमारी भाप होती है, स्ट्रीम होती है, उसके पास भी कोई ना कोई एनर्जी होती है। आफ्टर इट हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। व्हेन टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डाइड एंड देयर रिमेन्स सैंक टू सी फ्लोर, दे गेट बरिड अंडर मड फॉर मैनी ईयर्स। इट मीन्स हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, छोटे छोटे एनिमल्स थे, जो कहाँ रहते थे, सी वाटर में रहते थे, इट मीन्स सी में रहते थे, लाखों साल पहले क्या हुआ कि जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स थे वो मर गए थे, एंड मरने के बाद सी जो फ्लोर था, जो समुद्र का सबसे निचला तल था जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ जाके पहुँच गए। एंड जब हमारे समुद्र में पानी की लहरें जब उठती है, उनके साथ साथ हमारे समुद्र के तल से क्या रेत और मिट्टी भी उठ के आती है, वो रेत और मिट्टी किस पे जाके जमा हो गए, जो हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल्स थे। तो इस तरीके से जो हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल्स थे वो किसके नीचे दब गए, एक तरीके से सॉइल के नीचे आ गए, क्योंकि उनके ऊपर एक सॉइल की लेयर आ गई और उसके नीचे उन्होंने सलना करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, हमारी पेट्रोलियम की। इस तरीके से हमारा पेट्रोल बनता है। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या हाई हो गया था, एंड उसके बाद वो जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पेट्रोल में। इट गेट्स कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड पोल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स। इसको हम जो हम कलेक्ट करते हैं, मतलब कि बड़े बड़े पोलों के द्वारा, पोल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑयल वेल्स। इट मीन्स तेल के कुएं हम उनको बोलते हैं। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ एंड एक्सट्रैक्टेड द ऑयल फ्रॉम द ऑयल वेल। जो पेट्रोल होता है वो ड्रिलिंग सिस्टम के द्वारा अर्थ से निकाला जाता है, कहाँ से, हमारे जो तेल के कुएं होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको हम एक तरीके से कच्चा तेल भी कहते हैं और ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। क्रूड ऑयल कांट बी डायरेक्टली यूज एज फ्यूल, जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट इज रिफाइंड इन ए रिफाइनरी एंड प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑप्टेन। जो हमारा ये क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल होता है, जब हम इसको रिफाइन करते हैं, जो मशीनों के द्वारा इसको साफ किया जाता है, तो इससे हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल हुआ, डीजल, केरोसिन आर ऑप्टेन। पेट्रोल इज जनरली यूज्ड एज ए फ्यूल, जो पेट्रोल होता है वो जनरली हम एज ए फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं इन कार्स एंड टू व्हीलर, जो हमारे दो पहिए वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें। एंड डीजल इज यूज एज फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स सच एज ट्रक्स, ट्रैक्टर, शिप्स, बसेस, रेलवे इंजाइन। इट मीन्स जो हमारा डीजल होता है वो ज्यादातर हम बड़े बड़े वाहनों में यूज करते हैं, जो हमारे फोर व्हीलर्स होते हैं, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, शिप, बसेस, रेलवे इंजाइन। एंड डीजल इंजाइन आर मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट, जो हमारे डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कैपेसिटी उनकी होती है। केरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग इन विलेज, गांव में जो केरोसिन ऑयल होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ रिफाइंड केरोसिन यूज्ड इन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। जो हमारा ATF होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये एक तरीके से स्पेशल फॉर्म है किसकी, केरोसिन ऑयल की, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स में एज ए फ्यूल, फ्यूल के तौर पर। अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो हमारे अदर प्रोडक्ट होते हैं, जो हमने कच्चा तेल था, जो हमने उसे रिफाइन किया, इट मीन्स साफ किया, उस कच्चे तेल से जो हमें अदर दूसरे प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त हुए उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। एंड दीज कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, प्लास्टिक एंड पेंट्स। और जो ये सारे अदर प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेंड होते हैं कच्चे तेल से, उनसे हम क्या बनाते हैं, दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कन्वर्ट गैस गेट ट्रैप्ड अलोंग विद ऑयल अंडर द रॉकी लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस। जो नेचुरल गैस होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ के सरफेस से, रॉकी जो लेयर होती है वहाँ से हमें ये नेचुरल गैस मिलती है विद ऑयल, ऑयल के साथ। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स, इसको हम एक तरीके से ईंधन के तौर पर यूज करते हैं, कहाँ, व्हीकल्स में, वाहनों में, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने सुना भी होगा कि अब हमारे मार्केट में बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे आ गए हैं जो हमारे CNG होते हैं, वो हमारे कैसे हैं, नेचुरल गैस है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड सेकेंड is liquefied petroleum gas. These fuels causes less pollution than other fossil fuels. जो हमारे natural gases होते हैं ये less, कम pollution करते हैं comparison to other fossil fuels. जो हमारे और fossil fuels थे जैसे कि diesel, petroleum और kerosene, इनके comparison में जो हमारे natural gases होते हैं ये कम क्या करते हैं,
पॉल्यूशन करते हैं. उसके बाद दे आर द चॉइस ऑफ फ्यूल्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एज इट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. इनको यूज किया जाता है एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. इट रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इट मीन्स पब्लिक के द्वारा नेचुरल गैसेज को यूज इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि ये हमारे एयर पॉल्यूशन को थोड़ा कम करती हैं. उसके बाद हम अपना इफेक्ट भी पढ़ेंगे. अर्लियर लेडेड पेट्रोल वॉज यूज इन इंडिया विच कंटेंस पॉइजनस लेड पार्टिकल्स. इट मीन्स पहले हमारे इंडिया में जो पेट्रोल यूज होता था उसमें क्या हमारा लेड हमारा एक मेटल होता है वो हमारे पेट्रोल में प्रेजेंट होता था. लेड के पार्टिकल्स हमारे पेट्रोल में प्रेजेंट होते थे जिससे हमारा जो वो पेट्रोल था वो कैसा था, पॉइजनस पेट्रोल था. बट आफ्टर ईयर 2000 ओनली अनलेडेड पेट्रोल इज अवेलेबल इन इंडिया. लेकिन 2000 साल बाद हमारी इंडिया में कैसा पेट्रोल प्रेजेंट है, अनलेडेड, जिसमें हमारे लेड के पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं है. मतलब कि लेड के पार्टिकल्स को हम रिमूव कर देते हैं इस तरीके के हमें हमारी इंडिया में पेट्रोल प्रेजेंट है. एंड ऑल दीज फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स. हमारे जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं इनको बनने में लाखों हजारों सालों का टाइम लग जाता है. देयर सप्लाई इज लिमिटेड, इनकी जो सप्लाई है वो निश्चित है, लिमिटेड है, फिक्स है. एंड दे आर कॉल्ड एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज एंड दे कांट बी क्रिएटेड. ये हमारे एक तरीके से संपूर्ण संसाधन है, हम इनको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनका बहुत सोच समझ के और सही जगह ही उपयोग करना चाहिए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि इनको हम दोबारा फॉर्म नहीं कर सकते. अलॉन्ग विद बीइंग एग्जिस्टेबल दे ऑल्सो कॉज ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन एंड हैंस शुड बी यूज कैटोलियसली. इट मीन्स ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एक तरीके से पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन का कारण होते हैं, इसलिए हमें इनका सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए. हमने इस चैप्टर में अपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डीजल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हमें ऑप्टेंट होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है एंड क्या क्या पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद बसता है हमारा अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.